रुपेंद्र सिंह गिप्पी गहिवाल 2 जनवरी 1983 एक भारतीय अभिनेता, गायक, फिल्म निर्देशक और निर्माता है, जिनका काम पंजाबी और हिंदी फिल्म उद्योग में फैला हुआ है। उनका एकल उल्लकारी पंजाबी संगीत उद्योग में बहुत सफल रहा। उन्होंने 2010 की फिल्म मेल कर दे रब्बा से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कैरी ऑन जट्टा, लक्की दी अनलक्की स्टोरी, मांझी इन प्रॉब्लम, जट जेम्स वन में काम किया। उन्होंने 2011 की फिल्म जी मेरा दिल लुटिया में अपने प्रदर्शन के लिए 2011 में PTC सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार को पुनर्जीवित किया। 2012 में दिलजीत दोसांज के साथ फीफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। 2015 में दिलजीत दोसांज के साथ जट जेम्स वन के PTC सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हुआ। वह अपने भाई सिप्पी गरेवाल के साथ प्रोडक्शन हाउस हम्बल मोशन पिक्चर्स और बिग डैडी फिल्म्स के मालिक हैं। गरेवाल का जन्म लुधियाना में हुआ था। उनका गुरुनगर कुंकला लुधियाना है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नानकाना साहिब पब्लिक स्कूल कोट गांगूराय से की। नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पांचकुला से पढ़ाई की। उनके भाई सिप्पी गरेवाल ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक वितारण है। गरेवाल की शादी रविनीत कौर से हुई और उनके 3 बेटे हैं। गरेवाल ने अतुल शर्मा द्वारा निर्मित एल्बम चक लाइस से अपनी शुरुआत की। उन्होंने आजा वे मित्र, मेले मित्रा दे, फुलकारी 2 और कई अन्य एल्बम जारी किए और दर्शकों के बीच पंजाबी संगीत में एक प्रसिद्ध नाम बन गए। 2010 में अमन हेयर द्वारा निर्मित उनका 8वां एल्बम देसी रॉकस्टार बहुत हिट हुआ, दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। एल्बम के बाद उन्होंने योयो हनी सिंह के साथ अंग्रेजी बीट गाना रिलीज किया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा गाना साबित हुआ। 2010-2014 के दौरान अपने स्टारडम के प्रमुख समय का आनंद लिया। पंजाबी संगीत उद्योग में अग्रणीय कलाकार बन गए। 2012 में उनका गाना अंग्रेजी बीट बॉलीवुड फिल्म कॉकटेल में दिखाया गया था। उनके 2013 के एकल हेलो हेलो का वीडियो लास वेगास नेवाद में शूट किया गया था। उन्होंने 2014 में सेडवेल और बदिम मेले में प्रदर्शन किया। अपनी प्रसिद्धि से पहले, हालांकि वह एक विवाह गायक थे, वह अक्सर पंजाब भारत में सदियों में प्रसिद्धि देते थे।